जय हिंद दोस्तों, आज हम आप लोगों को भारत की स्थलीय एवं तटीय सीमाओं के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत की उत्तरी हिस्सा स्थलीय देशों से घिरा हुआ है, जबकि दक्षिण का भाग समुद्री तटीय से घिरा हुआ है। क्योंकि भारत के दक्षिण में तीनों दिशाओं की ओर सागर है, जिस कारण से इसको प्रायद्वीपी भारत भी कहा जाता है। हम बात करते हैं भारत के स्थलीय सीमा, तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई आपकी है 15,200 किलोमीटर। यानी भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। ये आपकी है स्थलीय सीमा। और हम बात करें भारत की समुद्र तटीय सीमा की लंबाई, तो भारत की समुद्र तटीय सीमा की लंबाई आपकी टोटल है 7,716.6 किलोमीटर। कितनी है जो आपकी समुद्र तटीय जो सीमा है, ये आपकी है 7,716.6 किलोमीटर। ये आपकी है समुद्र तटीय। नहीं, आपकी है 7,716.6 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन आ जाए भारत का मेन भूभाग, यानी कि जो भारत का एक अखंड भाग है, उस मेन भूभाग की समुद्र तटीय सीमा कितनी है, यानी कि भारत की कुल समुद्र तटीय सीमा कितनी है, तो आपका आंसर होगा 6,100 किलोमीटर। यह है मेन भाग। मेन भाग, क्योंकि भारत की मुख्य सीमा जो है, जो देश के अंदर है, ये आपकी 6,100 किलोमीटर, जो शेष आपकी बच रही है 1,416.6 किलोमीटर, वो आपकी आपके है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह की। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह की जो आपकी सीमा है वो है 1,416.6 किलोमीटर। यानी 1,416.6 किलोमीटर, यह आपकी कौन सी होगी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, यानी इन दो प्रदेशों की सीमा आपकी है। और मेन भूभाग की सीमा आपकी है 6,100 किलोमीटर। और टोटल आपकी समुद्र तटीय सीमा है वो है 7,516.6 किलोमीटर। यह आपकी है समुद्र तटीय सीमा। अब हम जो आपकी है 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि किस देश के साथ हमारी कितनी सीमा है, इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको प्रदान करेंगे। तो ये आपका है गुजरात, गुजरात से लेकर के यहां से आपका है पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान की जो आपकी सीमा है यहां से लेकर के यहां तक, यहां तक आपकी जो है ये आपकी पाकिस्तान हो गया। तो पाकिस्तान की बात करते हैं, जो स्थलीय सीमा जो भारत के साथ है वो है 3,323 किलोमीटर। यानी भारत पाकिस्तान की जो स्थलीय सीमा है वो 3,323 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के बाद यहां आपका है अफगानिस्तान। क्या है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान
कि जो भारतीय सीमा है यानी जो आपकी ये सीमा है भारतीय सीमा, इसकी लंबाई है 106 किलोमीटर। यानी भारत और अफगानिस्तान की जो स्थलीय सीमा है वो है 106 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हम एक साइड से चलेंगे, साइड की तरह बताएंगे। अब यहां से आपका होता है चीन की शुरुआत हो जाती है। चीन आप यहां से लेकर के जो आपकी चीन की सीमा है यहां तक और फिर यहां तक, ये आपकी जो है चीन की सीमा है। भारत और चीन की स्थलीय सीमा की लंबाई है 3488 किलोमीटर। चीन के साथ है 3488 किलोमीटर। यह है भारत और चीन की बाउंड्री लाइन सीमा। अब हम बात करते हैं भारत चीन के बाद, अब यहां आपका एक देश है नेपाल। यानी जो नेपाल की सीमा है भारत की वो यहां से लेकर के ऐसे है। भारत और नेपाल की जो स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई है 1751 किलोमीटर। कितनी है? भारत और नेपाल की बाउंड्री लाइन सीमा है 1751 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं भूटान की। यहां पर आपका है भूटान देश। भूटान, भूटान की अगर हम बात करते हैं तो भूटान की जो स्थलीय सीमा है यहां से लेकर के यहां तक है, इसकी लंबाई है 699 किलोमीटर। यानी भारत और नेपाल की स्थलीय सीमा की लंबाई है 699 किलोमीटर। अगर अब हम आगे बात करते हैं इधर यहां आपका है म्यांमार। अगर म्यांमार की हम स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो म्यांमार की स्थलीय सीमा यहां से लेकर के यहां तक है, जिसकी कुल लंबाई है 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। अब म्यांमार के बाद एक महादेश बचता है जो है यहां पर बांग्लादेश। कौन सा देश यहां पर है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की यदि हम बात करें भारत और बांग्लादेश के स्थलीय सीमा तो वो आपकी है 4096.7 किलोमीटर। ये भारत और बांग्लादेश के बीच की जो स्थलीय सीमा है वो आपकी है 4096.7 किलोमीटर। तो ये आप हुई स्थलीय सीमा की लंबाई। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत।